नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान और अभी एक नजर डालते हैं खबरों पर। बुधवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रही है। करीब एक हफ्ते तक चलने वाले सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने ही कमर कस ली है। जहां विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सरकार ने सारे वार को तोड़ निकालने का दावा किया है। बुधवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिन भर चले बैठक के दौर के बाद जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए तमाम सवाल तैयार किए हैं, तो वहीं सरकार ने भी विरोधियों के हर सवाल का माकूल जवाब देने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बात विरोधियों की करें तो विरोधी सरकार को घेरने के लिए आनंद पाल की फरारी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और सूखे को अहम हथियार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र जो 16 तारीख को शुरुआत है, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। और राजस्थान के अंदर जिस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, राजस्थान के अंदर इस पौने दो साल के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी। और इस कानून व्यवस्था की अपन बात करें तो आए दिन जिस तरीके से गैंगरेप की घटना है, गृह मंत्री कुछ कर नहीं रहे। आनंद पाल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जो है, मतलब माफिया, जिसने बहुत पूरे राजस्थान में अपने पैर फैला चुका है, और उस गैंगस्टर को पुलिस कस्टडी के अंदर भाग जाना। विरोधियों ने अपने तर्कश में सवालों के तीर सजाए हैं, तो सरकार विकास को ढाल बनाकर विरोधियों के सारे सवालों का जवाब देने की बात कर रही है। साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि हर हाल में सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ताकि सत्र में 18 संशोधित विधेयकों को पास कराया जा सके। राजस्थान विधानसभा का सत्र एक सप्ताह से ज्यादा इसकी बैठकें होगी, लगभग 18 अलग अलग विधेयक संशोधित रूप से और मूल रूप से लेकर आए जाएंगे। हम अपना पूरा बिजनेस पूरा करेंगे, विधानसभा को पूरा चलाएंगे, कांग्रेस की हर बात का माकूल जवाब तर्कों के आधार पर देंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तर्ज पर हल्ला ब्रिगेड को आगे करके शोरगुल के अंदर विधानसभा के सत्र को बाधित नहीं करेगी, हमें उम्मीद है उनसे। विरोधी तैयार हैं और सत्ता पक्ष ने भी खुद को तैयार बताया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो विरोधियों के सवालों का जवाब भी दे और सत्र को भी चलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सत्र में राज्य सरकार अपना वादा निभाते हुए गुर्जर और अन्य जातियों के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण का बिल लाने जा रही है। साथ ही आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 14% आरक्षण का बिल भी सरकार इसी सत्र में लाने जा रही है। इसी साल मई में गुर्जर आंदोलन के बाद गुर्जर और सरकार में हुए समझौते में तय किया गया था कि सरकार इसी सत्र में SBC और EBC के लिए अलग अलग बिल विधानसभा में रखेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि दोनों बिल तैयार है और सरकार इस बार दोनों बिलों को अलग अलग लाकर सदन में पेश करेगी। निश्चित रूप से इस आगामी सत्र में SBC का विशेष अति विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% का और EBC का आर्थिक पिछड़े वर्ग का 14% के जो बिल थे, जो संयुक्त बिल था और जिसमें गुर्जरों की ये मनसा थी कि इनको अलग अलग कर दें तो शायद हमको कुछ लाभ मिल सकता है, तो सरकार की और गुर्जरों से जो वार्ता हुई उसके अनुसार सरकार दोनों बिल अलग अलग लेकर आ रही है और इस विधानसभा सत्र में पारित होंगे। जयपुर में राज्य कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में कई अहम मुद्दे उठे। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गौ तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन अब जब्त होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ईद की छुट्टी रद्द करने पर राठौड़ ने कहा कि सरकार की छुट्टी रद्द करने की मंशा नहीं है, ईद की छुट्टी के दिन लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें। मीणा विवाद पर सरकार का रुख पहले से स्पष्ट है, दोनों को प्रदेश में समान अधिकार मिला हुआ है। इस राजस्थान गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अस्थायी प्रवचन व निर्यात अधिनियम 1995 में एक नई धारा 6A जोड़कर यह प्रावधान किया है कि अब गोवंशीय पशुओं के अवैध रूप से प्रवेश करने में उपयोग में लिए गए वाहन को
आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 59 के अनुरूप प्रावधानों के अनुसार जब्त करने और उसके बाद उसे नीलाम करने का प्रावधान ये पहली बार किया गया है। इसके लिए एक धारा 6A को जोड़ा गया है और उसके साथ ही इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाने का प्रावधान वर्तमान में इस अधिनियम 1995 में नहीं था। धारा 12A जोड़कर अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के गिरफ्तारी का प्रावधान करने का फैसला आज किया है। 25 तारीख को दीनदयाल जयंती पर एक वृद्ध रक्तदान कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कतिपय संगठनों ने इस बात पर एतराज किया, इस दिन ईद होने पर ईद की छुट्टी रद्द करके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। राज्य सरकार की ईद की छुट्टी रद्द करने का की मंशा नहीं है, ये स्वैच्छिक रक्तदान है। जो रक्तदान करना चाहेगा वो इस दिन करेगा, जो नहीं करना चाहेगा वो नहीं करेगा। मीना और मीना के विवाद पर राज्य सरकार अपना मंतव्य पहले स्पष्ट कर चुकी है। राजस्थान के अंदर मीना और मीना दोनों लिखने वालों को अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों के अनुसार जो लाभ है वो लाभ मिल रहा है। सूबे में 18 सितंबर से शुरू होने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है, इन पर कार्रवाई तो होगी। साथ ही वाहन चालकों की आंखों की भी मेडिकल जांच होगी। अगर इस जांच में वाहन चालक की आंखें रोशनी कम पाई गई तो उसका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में परिवहन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी वाहन चालकों का चेकअप करती हुई नजर आएंगी। परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में अभियान की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। सूबे में पहली बार सड़क सुरक्षा सप्ताह को एक अभियान के रूप में लेते हुए इसे प्रदेश की 9,900 ग्राम पंचायतों तक ले जाने का काम किया जाएगा। अनंतपाल फरारी मामले में नागौर पुलिस को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनंतपाल और उसके साथियों को पुलिस सुरक्षा से फरार करने के मामले में पुलिस ने कमांडो शक्ति सिंह समेत अजमेर थाने के हिस्से शीटर केसर सिंह, महेंद्र उर्फ बबलू, सीकर जिले के निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल उसके साथियों को फरार करने में इन सभी का किसी न किसी रूप में हाथ होना पाया गया है। इनमें से 2 लोगों को अजमेर से गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक और को सीकर से दबिश देकर पकड़ा गया है। वहीं शक्ति सिंह फरारी के बाद से ही पुलिस गिरफ्त में आ चुका था। एसपी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि निर्मल सिंह और महेंद्र आनंदपाल के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। अनुसंधान और फरार अपराधियों की तलाश का कार्य उसी दिन से लगातार पूरे जोर शोर से चल रहा है। अब तक जो जानकारी, जो एविडेंसेस, जो संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, तकनीकी बिंदुओं पर जांच, विभिन्न पहलू के आधार पर जो सूचना जानकारी एकत्रित की गई उसके आधार पर आज 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आनंदपाल को लेकर पुलिस के सभी अधिकारी और सिपाही एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार सूत्रों से जानकारियां भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि आनंदपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने का जिम्मा अब राज्य सरकार ने उन्हें सौंपा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आनंदपाल की धरपकड़ के लिए यूपी और बिहार में भी अधिकारी लगे हुए हैं। बट इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस ने इसको एक चैलेंज के हिसाब से लिया है, तो ऑफिसर्स से लेकर नीचे जवान तक सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ऑफिसर्स यूपी बिहार भी गए, कुछ ऑफिसर्स चंडीगढ़ भी गए, कुछ मदर बाहर भेज रहे वहाँ से भी लोगों को सामान्य बिठाने के लिए, और कुछ लोकल यहाँ पे SOG PATS लोकल पुलिस अभी काम कर रहे हैं। कुल मिल के ये है कि
सभी पुलिस महकमे में इसको एक चैलेंज के हिसाब से लिया, दे वर्किंग टुगेदर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आसाराम के समर्थकों से जोधपुर नहीं आने की अपील की जा रही है। जोधपुर में आसाराम के प्रमुख अनुयायियों ने संवाददाता सम्मेलन कर ये अपील की। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आसाराम पर दुष्कर्म के मामले की सुनवाई जेल की जगह फिर से सेशन कोर्ट में करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कोर्ट परिसर में करने के आदेश के साथ ही शर्तें भी लगाई है। इन शर्तों के अनुसार आसाराम कोर्ट में पेशी के लिए लाने ले जाने के दौरान मीडिया से बात नहीं करने की बात कही है और न ही अनुयायियों को कोई इशारे भी करेंगे। नहीं नहीं सही में कहीं कभी आप चेक करके रिपोर्ट पर हो तो कोई अदर आदमी कर सके, आश्रम का व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता। अदर आदमी किसी कोई भी कुछ भी अपने भाई आज दर्शन हुए आए अलग चीज़ है, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड से मतलब नहीं है। बाकी आश्रम की ओर से कहीं भी भीड़ करने के लिए बुलाया नहीं जाता है। खबर बैरोड से, जहां पर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला भिटेड़ा गांव का है, जहां बच्ची के दादा से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे 55 साल के अधेड़ ने दोस्त की पोती के साथ दरिंदगी की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि गांव के ही किसी शख्स ने उस आरोपी को देख लिया और परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आरोपी गोपीराम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीकर में मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए है। फुटेज में आरोपी मासूम को अपने साथ लेकर आता जाता दिखाई दे रहा है। वो दर्द से कराह रही है और उस दर्द को महसूस पूरा राजस्थान कर रहा है। वो एक एक सांस रो रो कर ले रही है, दिल दिल कर जी रही है, अस्पताल में मौत और जिंदगी से हर पल लड़ रही है, डर के साए में खुद की जिंदगी के लिए लड़ रही है। लेकिन वो हैवान खुले आसमान के नीचे अभी भी सांस ले रहा है। वो लम्हा किसी भयंकर सपने से कम नहीं था, जिसने न सिर्फ सीकर बल्कि पूरे राजस्थान को शर्मसार किया। खाकी का वो चेहरा सबके सामने आया, जिसने कहने पर मजबूर कर दिया सिस्टम मर चुका है और खाकी काली हो गई। 4 दिन बाद पुलिस नींद से जागी और हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा। उम्र में करीब 25 से 30 साल, नशे में चूर ये वो शख्स जिसने लाडो की रूह को नोच खाया। दरिंदा तो पुलिस के हत्थे अब तक नहीं चढ़ा है, लेकिन हाँ 4 दिन बाद तस्वीर जरूर पेश की है। सभी घरों के जो सीसीटीवी फुटेज है देखने की प्रयास किया गया, तो एक घर से इस तरह के फुटेज प्राप्त हुए, जिससे ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि लगभग 1:15 बजे के आसपास एक युवक है जो करीब 25 से 30 साल के बीच का है, जो नशे की हालत में प्रतीत हो रहा है अभी, और वो बच्ची को लेकर जाता है और लगभग 5:50 या 6 बजे के आसपास के वापस वो बच्ची को वहीं छोड़ जाता है। सीसीटीवी फुटेज कुछ लिखने की इजाजत नहीं देती, लेकिन हाँ ये कहने को मजबूर कर रही है कि 4 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ फुटेज ही हाथ लग पाई है। कार्रवाई के नाम पर गश्ती दल के एसआई को निलंबित जरूर कर दिया है, लेकिन दरिंदा अभी भी गिरफ्त से कोसों दूर है। सीकर से रमेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। सीकर में मासूम से दुष्कर्म के मामले में एसपी अखिलेश कुमार ने गश्ती दल के प्रभारी एसआई प्रभु दयाल को निलंबित कर दिया है। ये जानकारी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली। अखिलेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन गश्ती दल के प्रभारी की लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया है। वहीं सीकर में लाडो के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 डॉक्टर समेत 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की लापरवाही की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। 4 में से 3 पहले से ही निलंबित, प्रथम दृष्टया देखने पर निलंबित कर दिए गए थे। 1 गश्ती दल में उस समय थे प्रभु दयाल सब इंस्पेक्टर, उनको भी आज निलंबित कर दिया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ, एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी चटर्जी के, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और बढ़ते आगे, जयपुर के जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती लाडो की हालत में अब सुधार है। बच्ची अब संक्रमण के खतरे से बाहर है। अस्पताल अधीक्षक अशोक गुप्ता की माने तो लाडो को जहां दो दिन से सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था, वहीं उसके चेकअप के बाद उसे दूध दिया गया है। बच्ची की किडनी, हार्ट और शरीर के दूसरे हिस्से ठीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह बच्ची की ड्रेसिंग की जाएगी, जिसके बाद बच्ची के ठीक होने की उम्मीद बढ़ जाएगी और सब ठीक रहा तो अगले 2-3 हफ्तों में लाडो को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बच्चे की हालत स्थिर है और आज कल तक तो हम उसको केवल पानी दे रहे थे, आज उसको दूध देंगे और दूध अगर टॉलरेट करेगी तो धीरे धीरे मतलब लिक्विड डाइट से फिर धीरे धीरे से सॉलिड की तरफ ले जाएंगे। कल सुबह इसकी ड्रेसिंग का प्लान है और इसलिए रात को सब चीज़ बंद करके सुबह ड्रेसिंग इसकी होनी है। नहीं, संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि इतना गहरी चोटें लगी हुई है, ऊपर से ऐसी जगह बच्चा फेंका गया था जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी और हम भी मतलब उम्मीद लगाए थे कि भाई संक्रमण नहीं शुरू हो जाए। अब तो करीब 80-90 घंटे निकल गए, अभी तक तो कोई संक्रमण का लक्षण नहीं आया। वह 2 महीने पहले हुए रेप के मामले में इंसाफ की खातिर एक नाबालिग दर दर भटक रही है। घटना पर पुलिस का कोई एक्शन न दिखने पर नाबालिग के परिजनों ने और शहर के लोगों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। नारेबाजी कर लोगों का कहना था कि रसूखदारों के आगे पुलिस गौना साबित हो रही है। जानबूझकर केस में ढिलाई बरती जा रही है, जबकि पीड़िता के 164 के बयान हो चुके हैं, फिर भी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़िता का कहना है कि दुष्कर्म के बाद से ही उसे और उसके परिवार वालों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जरेंद्र और सुनील है ना, ये सब गंदे गंदे काम करते हैं और मेरे है ना धमकी देते हैं, आपको मार दूंगा, आपके माँ बाप को मार दूंगा, इसलिए ना मैं कुछ कह नहीं पाती। बड़े बड़े सर के पास जाके आई, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, रोक पीट के कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी तो इज्जत जा चुकी है, मैं तो मरना चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। लड़की मान लो केस हुआ मान लो और हमें धमकी दे रहे हैं, हम बजे डोल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ जाके शिकायतें की हैं? हमने कोर्ट में मान लो गंगानगर भी की, जयपुर भी करी है, मान लो थाने भी करी, हमारी कोई एसपी की करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो प्रतापगढ़ पुलिस इन दिनों रेप के झूठे मामले से परेशान है। ये हम नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में जनवरी से अगस्त तक दर्ज हुए रेप के आंकड़े कह रहे हैं। इन आंकड़ों की माने तो जनवरी से अगस्त तक रेप के 144 मामले थानों में दर्ज हुए, जिनमें से 75 मामले फर्जी पाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस इन दिनों अजीबोगरीब समस्याओं से जूझ रही है, परेशान है, क्योंकि रिकॉर्ड पुलिस का खराब हो रहा है। दुश्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक गिर सकता है, ये बात पुलिस नहीं पचा पा रही। ये सुनकर हैरानी होती है कि जनवरी से लेके अगस्त तक 144 मामले बलात्कार और दुष्कर्म के दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 ऐसे हैं जो झूठे हैं। बस 15 में 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कुल 114 प्रकरण बलात्कार संबंधी दुष्कर्म संबंधी दर्ज करवाए गए, कई आपसी रंजिश वर्ष या कई तरह की चीजें भी हैं। तो अनुसंधान के बाद इसमें से 38 में चालान हुआ है और 75 प्रकरण जो है झूठे पाए गए। बलात्कार के नाम पर आने वाला हर एक मामला फर्जी निकल रहा है। जिले के लोगों ने किसी भी रंजिश से निपटने के लिए बलात्कार को हथियार बना लिया है। मामले दर्ज होने के बाद तफ्तीश के लिए पुलिस पहुंची है तो बेरंग लौटना पड़ता है, क्योंकि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। पुलिस अब इस समस्याओं से निपटने की तैयारी में है। जो पाए गए प्रकरण उनमें नियमानुसार परिवारिक निर्देश दिए गए, यानी अब जो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज कराएगा उसकी खैर नहीं। प्रतापगढ़ से यूनिस मंसूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। मकराना एसडीएम ने बुधसू के सरकारी अस्पताल में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र महज कागजों में चल रहे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्हें बच्चे दिखाई नहीं दिए, न ही कार्यकर्ता मिले और न ही आंगनबाड़ी सहायिका। यही नहीं, पूरा का पूरा आंगनबाड़ी केंद्र ही बंद मिला। बुरसू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी कुछ यही हाल था। यहाँ डॉक्टर गैर मौजूद दिखे तो वहीं बिना सरकारी ड्यूटी के काम करती एक जेएनएम मिली। उधर सरकारी स्कूलों का भी हाल बेहाल नजर आया। यहाँ स्कूल में टीचर नदारद मिले तो वहीं मिड डे मील में अनियमितताएं पाई गई। इन सब पर कार्रवाई के लिए तहसीलदार ने डीएम को खत लिखा है।
नहीं सर, मैं इनको यही कहा है कि आप केवल यहाँ पे आते हो, अगर कोई चीज देखते हो तो ठीक है, आप कुछ भी चीज नहीं लगाएंगे ना कुछ करेंगे। अगर हम MRS की मीटिंग में प्रस्ताव देंगे, हमारे यहाँ पे केवल एक मेल का सेकंड है, बाद में अगर कुछ होता है तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। ये चीज मैंने पहले कही थी, अभी अगर अपने मन से कोई स्टेटमेंट दे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए गवर्नमेंट भी तो लगा रखी है ना, आपको लगा रखा है। सर तो सीएससी के 6 स्टाफ है ना, एक ही है, मैं अकेली हूँ सिंगल। अच्छा, इसलिए लगा रखा? नहीं, वो तो MRS में मीटिंग में प्रस्ताव लेके लगाया। राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा भगवान भरोसे है। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का टोटा है। आलम यह है कि विश्वविद्यालय में 61 में से 51 प्रोफेसर के पद खाली हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर के 135 पदों में से 134 पद खाली हैं। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने इस बारे में जल्द ही नई भर्ती कर इन पदों को भरने की बात कही है। भर्तियां प्रारंभ की जाएगी और राजस्थान विश्वविद्यालय की जितनी वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा। ये तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, जेपी सिंगल साहब जो वाइस चांसलर है वो ही बता सकते हैं। प्रदेश के 36 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के बजाय उच्च शिक्षा विभाग उन्हें एक और मौका दे रहा है। दरअसल प्रदेश में 36 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अब तक NOC के लिए आवेदन नहीं किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 4 बार खत लिखे जाने के बाद भी इन कॉलेज प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इस मामले में खुद उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि 4 बार मौका देने के बाद एक बार फिर इन कॉलेजों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन बार बार खत लिखे जाने के बाद भी निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने वाले कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। बार बार समय बढ़ाने के बाद भी और उन्होंने जो निर्धारित शुल्क था वो जमा नहीं कराया, इसलिए उनकी मान्यता खतरे में है। परंतु फिर भी मानवीय आधार पर एक चांस उनको और देने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक चांस और देंगे, और एक चांस देने के बाद भी जो यदि शुल्क जमा नहीं कराएंगे तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बगरू में एक हादसे में पैर गवा चुकी 5 साल की मासूम गीता को इंसाफ का इंतजार है। मामला आदर्श कॉलोनी का है, जहां राइजिंग एकेडमी स्कूल की गाड़ी ने 5 साल की गीता का पैर कुचल दिया था। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान गीता का पैर काट दिया। गरीब परिजनों के पास गीता के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में स्कूल संचालक और गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। फर्जी तरीके से स्कूल चलाने वाला संचालक मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। उस पर पहले से कई मामले दर्ज भी हैं, लेकिन शिकायत किए जाने के बावजूद उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया था हमने, लेकिन उसके मामले में कुछ कार्रवाई अभी तक संतुष्टि वाली कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जी मिष्ठा इसका संचालक विनोद राणा मौके पे आगे ड्राइवर को पब्लिक के सामने से ले गया, पर अभी तक हमने मामला दर्ज भी करवाया था पुलिस के अंदर, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो विनोद राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना हो की उन्होंने। चित्तौड़गढ़ में डेंगू के साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू के 6 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वयंसेवी संगठन बीमारियों के रोकथाम के लिए लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे हैं। इसी कड़ी में अभिभाषक संघ की तरफ से कोर्ट के बाहर शिविर लगाया गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की जानकारी भी दी गई। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी संभाग की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का टोटा है और लिस्ट भी बड़ी लंबी है। अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों को मूलभूत सुविधाएं यहां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहां खर्च हो रहा है मंडी का पैसा। अगर एक नजर आंकड़ों पर डाले तो 2010-11 में मंडी की इनकम 292 लाख रुपए थी, जो 2014-15 में बढ़कर 553 लाख हो गई। आय में इतना इजाफा होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना मंडी के खर्च पर सवाल निशान लगाता है।
जोधपुर में बीएसएफ के जवानों को योगासन सिखा रहे स्वामी रामदेव ने रेगिस्तान के जहाज ऊंट की सवारी का अनुभव किया। रामदेव ने बीएसएफ के विश्व प्रसिद्ध टैटू का अवलोकन किया और सजे धजे ऊंटों की काफी सराहना की। हालांकि शुरुआत में बाबा रामदेव ने ऊंट पर बैठने में थोड़ी हिचक दिखाई थी, लेकिन बाद में बाबा रामदेव ऊंट पर बैठने को राजी हो गए। उन्होंने काफी देर तक अकेले ही सवारी का आनंद लिया। ऊंट राजस्थान की शान है और हमारे बीएसएफ की बहुत बड़ी ताकत भी, स्वाभिमान भी। यू कहा जाता है कि भाई ऊंट पता नहीं किस बल बैठेगा, किस करवट बैठेगा। ऊंट को सबसे अनाड़ी जानवर माना जाता है। जब हमारे बीएसएफ के ट्रेनर्स इनको भी ट्रेंड कर सकते हैं तो उनकी ट्रेनिंग में कितनी ताकत है वो भी देखने को मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।